इनके जैसा फिल्म बनाने के लिए जिगरा चाहिए। तो भाई लोग एनिमल मूवी रिलीज हो चुकी है और मैंने इसे देख लिया है, जिसमें रणबीर कपूर, बॉबी देओल और अनिल कपूर और साथ में रश्मिका मंधाना लीड रोल में हैं, जिसे संदीप रेड्डी वांगा ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जिनकी पिछली फिल्म कबीर सिंह था। मूवी की बात करें तो मूवी 3 घंटे 20 मिनट की है, जो आपको कहीं भी बोर नहीं करती है, जिसका हर एक सीन आपको इम्प्रेस करेगी। ये मूवी बॉलीवुड को बताती है कि आखिर एक्शन मूवी कैसे बनाते हैं। इस मूवी को देखकर आप कबीर सिंह को भूल जाओगे। मूवी में बहुत खून खराबा है और ये एक डार्क मूवी है, ये बहुत ज्यादा ब्रूटल है। मूवी की स्टोरी माइंड ब्लोइंग है, आप इसे अच्छे से एंजॉय करोगे। संदीप रेड्डी की ये तीसरी फिल्म है और उनकी हर मूवी की तरह ये भी आर रेटेड है। इनके जैसा फिल्म बनाने के लिए जिगरा चाहिए। और एक्टिंग की बात करूँ तो रणबीर कपूर ने इस मूवी में हमेशा की तरह कमाल की एक्टिंग की है। ये कैरेक्टर शायद ही कोई एक्टर कर पाता, और ऐसे डार्क कैरेक्टर कोई एक्टर शायद ही करता। इसमें रणबीर कपूर की तारीफ करनी होगी। बॉबी देओल और अनिल कपूर ने भी कमाल की एक्टिंग की है। मुझे मूवी देखने से पहले रश्मिका को इस मूवी में क्यों लिया, इस पर थोड़ा डाउट था, लेकिन मूवी में उन्होंने भी कमाल की एक्टिंग की है। मूवी लंबी होने पर भी ये लोगों को बांधे रखती है, कहीं पर भी बोर नहीं करेगी। फर्स्ट हाफ में ये जितना दमदार है उससे कहीं ज्यादा सेकंड हाफ में है, जिसे देखकर मैं संदीप रेड्डी वांगा को सैल्यूट करता हूँ। इस मूवी को आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आपको खून खराबा वाले सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये आपकी पैसे बर्बाद नहीं करेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।